केन्द्र सरकारंको आयुष मंत्रालय अंतर्गत आयुर्ज्ञान योजना रे पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पक्षरु 6 दिनिया सर्जरी बा शल्य तंत्र प्रशिक्षण शिविर आरंभ होईछि। सर्जरी बा शल्य तंत्र रो जनक सुश्रुतंकु स्मरण करी आयोजित एही प्रशिक्षण शिविर रे शिक्षक मानंकु आधुनिक शल्य तंत्र चिकित्सा संपर्क रे प्रशिक्षण दिया जाउछि। एही कार्यक्रम रे भारतवर्षर उपलब्ध प्रतिष्ठित 12 जन गवेषक आयुर्वेद विज्ञान रो रहितबा बेले शल्य तंत्र चिकित्सा पद्धति आधुनिक युग रे एहार व्यवहार अत्याधुनिक ज्ञान कौशल रो प्रयोग शल्य तंत्र चिकित्सा विभिन्न पद्धति यार उपकारिता संपर्क में प्रशिक्षण देउछंती। भारतवर्षर विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालय 30 जन शिक्षक शिक्षयत्री एही प्रशिक्षण नेउछंती। यहाँ 6 दिन धरी चालू रहिबो। मु होची प्रोफेसर डॉक्टर सबिता महापात्रा, डीन एंड प्रिंसिपल ऑफ हमर श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुरी। ए जो शल्य तंत्र कार्यक्रम चलछि त कोन कहबे विषय ना, एटा गुटे बहुत खुशी रा खबर जे एठे गुटे शल्यतंत्र गुटे CME और कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होची। इट्स अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो मैंने सब कम कर मानने आमर इंडिया रे सब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस रे जो मैंने कम कर मुंबई पंजाब हरियाणा तापर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सब आड़ लोक आठ डॉक्टर मैंने ट्रेनिंग नापाई आमर ए पूरी मटी में बहुत खुशी जिनस आमर ये एमती चिकित्सा एमती गोटे ट्रेनिंग दिखाई जे ऑल ओवर द कंट्री आम डाक्टर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मैंने आसिक गोटे भल प्रकार 6 डेज रो ट्रेनिंग पाइबे जहाँपाई कि आमर आसी ट्रेनिंग दबापाई दिल्ली रू आमर प्रोफेसर प्रवीण चौधरी आमर इवन चतुर्भुज भूया आमर वेल नोन इन द कंट्री फॉर हिज नॉलेज इन रेक्टल सर्जरी रे से बहुत एफिशिएंट अच्छा सब ट्रेनिंग नापाई आसर परेश मु प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार दास, प्रिंसिपल गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नुआ दिल्ली द्वारा गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय को 2-6 दिनिया ट्रेनिंग शिविर दि जाएगी जो थे सारा भारतर शल्यतंत्र एवं काय चिकित्सा विभाग जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंटर लेक्चरर रीडर प्रोफेसर माने पूरी महाविद्यालय को आसी 6 दिनिया कर्मशाला अनुष्ठित हे। आई कर्मशाला आज उद्घाटन हो उद्घाटन उत्सव में श्रीजगन्नाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डीन मैडम सबिता महापात्र आमर नुआ दिल्लीर आयुर्वेद कॉलेज टीबी आयुर्वेद कॉलेज नुआ दिल्लीर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण चौधरी एवं महाविद्यालय रिटायर्ड प्रोफेसर प्रोफेसर चतुर्भुज भुईया एवं अन्य माने उपस्थित अच्छा 30 जन पार्टिसिपेंट सर्वभारतीय स्तर आज कार्यक्रम जोगदेप आई कार्यक्रम 4 डिसेंबर 2023 रु 9 डिसेंबर 2023 पर्यंत 6 दिन व्यापी अनुष्ठित हे। ए सर्वभारतीय स्तर रु 14 जन प्रोफेसर आसवे से पाठ पढ़ापाई प्रतिदिन 4टा क्लास हे। भारत सरकार द्वारा जो अर्थ दि जाएगी से होटेल रोचार एवं एटी वर्किंग लंच खाइबे होटेल से रहा व्यवस्था करा जाइछि तनो ए कार्यक्रम को सफल करिया पई आमे चेष्टा करूछु। आयुष मंत्रालय पक्षर आप देखिजे विभिन्न मन स्कीम से छात्र छात्री मान छात्र छात्री मैंने विभिन्न समय मैंने आंदोलन करते जेहेतु से उपयुक्त किसी प्राप्य मध्य पाई नहीं। भारत सरकार जहाँ सहायता दौरान से महाविद्यालय अनुष्ठान उन्नति दौरान इनफ्रास्ट्रक्चर हो ट्रेनिंग प्रोग्राम किंतु छात्र छात्री मानी किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भारत सरकार तरफ अच्छी राज्य सरकार तरफ पीजी आउ यूजी पाई प्रोत्साहन अच्छी रिसेंटली जो छात्र छात्री मैंने जो कि आंदोलन करते से विषय सरकार सचेतन अच्छा और खूब शीघ्र दाबी पूरण हे। सर परिचय सर, हाँ मु प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार कास्त एच ओ डिपार्टमेंट शल्यतंत्र गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय। आज जो कार्यक्रम कर आज जो कार्यक्रम हो 6 दिन गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम आमर शल्य टीचर मान ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया रु आस 6 दिन प्रोग्राम चलो 4 सेसन 24 सेसन ये हम आमर जो आयुर्वेदिक सर्जरी उपर टोटल पुंगखानुप ये चिंतन कराब ये थ्योरी पढ़ाब ये प्राक्टिकाल डेमोनस्ट्रेसन कराब तो ये टोटाल 6 दिन प्रोग्राम रखा।
तो ये जो 6 दिन प्रोग्राम तो केते जन पार्टिसिपेंट एतर अछन टोटल हमर पार्टिसिपेंट 30 जन आसेबे तासो रिसर्च पर्सन 14 जन रिसर्च पर्सन आसछ अच्छा ये जो कार्यक्रम चलती तो हमर ओडिसा बाहर केते जन लोक आसछ ओडिसा बाहर टोटल आसबे 28 जन 28 29 जन हमर ओडिसा बाहर ना ओडिसा बाहर 24 जन आसबे आ इंस्टिट्यूट किछ अछन डिफेंस कॉलेज आ 6 जन अछन धन्यवाद पुरी रु रमेशंक रिपोर्ट ब्लैकेट न्यूज़ ओडिया।